रामचरितमानस पर एसपी प्रवक्ता सुनील यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मानस की एक दो चौपाई से बड़ा तबका आहत हुआ है, चौपाइयों से पिछड़े और दलित समाज के लोग दुखी हैं। देखिए, जहां तक सवाल रामचरितमानस का है तो समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। उसमें कुछ शब्द या कोई एक चौपाई दो चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है, महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े दलित आदिवासी आहत होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। और मुझे ये भी भरोसा है कि आज खुद गोस्वामी तुलसीदास जी होते और उनको लगता कि एक हिंदू का बड़ा तबका उनकी किसी बात से, किसी चौपाई से इतना आहत है तो वो खुद रामचरितमानस से उस चौपाई को हटा देते। तो रामचरितमानस को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह से राजनीति गर्म है, सियासत हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों द्वारा बयानबाजी हो रही है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो बयान और वो ट्वीट हमने आपको दिखाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।